ਸ਼ਰੀਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਾਕਾ, ਪਰ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि सब आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं राना हैदर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैदर टक डॉट पी के। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ टिकटॉक ट्रेंडिंग वीडियो की एडिटिंग करने वाले हैं, जो कि आपने पहले सैंपल वीडियो में देखी है। तो आज हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो की जानब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है जो है काइनमास्टर, जो कि आप प्ले स्टोर से, गूगल क्रोम या गूगल किसी भी वेब ब्राउज़र से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने उसको डाउनलोड करके ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा इस एप्लीकेशन का। तो सबसे पहले हमने इसको प्लस के आईकॉन पर क्लिक करना है। आईकॉन पर क्लिक करने के बाद हमने 69 रेशो सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। आपने इसको डन कर देना है। डन करने के बाद हमको एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड चाहिए, जो कि हम इधर कहीं मास्टर से ही लेंगे, क्योंकि पहले से स्क्रीन ब्लैक है, क्योंकि दोबारा हम एक और बैकग्राउंड लेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड में आ जाएंगे, एक बैकग्राउंड ले लेंगे, ये क्लिक कर लिया, इसको हम इधर खींच के बड़ा कर लेंगे। ठीक है ना, हम इतना कर लेते हैं। इसको करने के बाद तो आपको कुछ भी पीएनजी की ज़रूरत है, जो कि हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उधर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखी है। तो चलो गाइस, सबसे पहले मैं लेयर पे क्लिक करता हूँ। लेयर में क्लिक करने के बाद मीडिया में, तो मैंने पहले से डाउनलोड किया हो, तो मैं डाउनलोड के ऑप्शन में चला जाऊँगा। ये देखें डाउनलोड के ऑप्शन में, तो ये देखें मैंने सबके सब पीएनजी डाउनलोड की हुई है। तो आप भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, उधर से जाकर डाउनलोड कर लें। तो सबसे पहले हमें एक जीप की डी पीएनजी चाहिए, तो हम इधर से ले लेते हैं। ये देखें, इधर से हमने ले ली। तो ये देखें, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद इसको बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद डन कर देंगे। तो उसके बाद हमें एक लड़के की पीएनजी चाहिए, तो वो हम लेयर पे क्लिक करेंगे। लेयर में क्लिक करने के बाद मीडिया में जाने के बाद डाउनलोड के फोल्डर में जाने के बाद ये रही उसको क्लिक करेंगे। तो इसको भी हम एडजस्टमेंट करेंगे। ये देखिए, इस तरह एडजस्टमेंट कर ली। इसको एडजस्टमेंट करने के बाद इसको भी हम खींच के बड़ा कर लेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट कर लें। तो बस आपने अपने हिसाब से एडजस्टमेंट सारी करनी है। मैं अपने साथ साथ कुछ कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये होगी। तो अब हम एक और पीएनजी लेंगे मीडिया में आने के बाद डाउनलोड के फोल्डर में आने के बाद ये रही पीएनजी, ये पता। ठीक है, इसको हम इधर खींच के बड़ा कर लेंगे। खींच के बड़ा करने के बाद ये इसको और बड़ा कर लेते हैं। डन होगी। तो बाकी इससे तो हम कट कर देंगे। इस तरह आने के बाद हमने आना है इस लेयर, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमने ये कैंची वाले ऑप्शन पे आना है। क्लिक करने के बाद हमने ट्राइम टू राइट ऑफ प्ले हेड, ठीक है, ट्राइम टू राइट ऑफ प्ले हेड, इस पर हमें क्लिक करना है। तो ये बाकी से ख़त्म हो जाएगा। इसको क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले अपना नाम टेक्स्ट करना है। ठीक है, टेक्स्ट करने के बाद फिर हम कलर ग्रेडिंग करेंगे सब। ठीक है, तो टेस्ट करने के लिए आपने लेयर पे आने के बाद टेस्ट के ऑप्शन पे आ जाना। तो आपने इधर अपना नाम या कुछ और टाइप करना जो आप इधर लिखना चाहते हैं। तो मेरा नाम है राना हैदर अली, मैं वो टाइप कर लेता हूँ, राना हैदर। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आ गया, मैं इसको इधर रख लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं फ़ॉन्ट दूंगा। तो आपने फ़ॉन्ट काई मस्टर के स्टोर में आपने जाकर फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लेना। तो मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड किया है, तो मैं अभी इसको एक फ़ॉन्ट दूंगा जो अच्छा सा होगा। ये देखिए, ये फाउंडेशन इसकी कितनी प्यारी लुक होगी। ठीक है, इसको हम चेंज इसके बराबर कर देंगे। तो ये देखिए कितनी प्यारी है। ये देखिए, छोटा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, ये करने के बाद अगर आप इसको रंग कलर वगैरह देना चाहते तो आप कलर भी दे सकते हैं, आउटलाइन भी आप दे सकते हैं। ये देखें, आउटलाइन भी दे सकते हैं। आगे देखें, आउटलाइन का ऑप्शन भी है, शेडो का भी है, ग्लो का भी है। तो मैं इसको ना ही शेडो दूंगा, ना ही ग्लो दूंगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल ही इस तरह ही होगा। ठीक है, तो इसको क्लिक कर दिया। अब हमें एक बंदूक वाली पीएनजी चाहिए। ठीक है, उसी तरह लेयर में आना, लेयर में आने के बाद मीडिया में आने के बाद डाउनलोड के ऑप्शन में आना है, फोल्डर में आने के बाद। तो आपने इधर बंदूक वाली पीएनजी पड़ी हुई है, देखिए ये पड़ी। तो आप इसको एडजस्टमेंट कर लें अपने हिसाब से। तो मैं ये एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आगे पीछे होगी। तो गाइस, सबसे पहले आपने एक बात का खास ख्याल रखना कि ये पीएनजी वगैरह आगे पीछे ना हो। अगर आगे पीछे होगी तो आपकी वीडियो प्रोफेशनल नहीं बनेगी। ठीक है ना, ये देखें, अगर ज़रा सी भी आगे पीछे ना हो, ये देखें,
नहीं तो आपकी वीडियो समोसे नहीं बनेगी, ठीक है। तो उसके बाद आप आपको आपने अगर टाइम लाइन लिखनी है अगर कोई उर्दू वगैरह में तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं लिखना चाहता हूँ, मैं तो लिखूँगा, जाकर बताना मुश्किल आएगा, ठीक है। मैं वो लिख रहा हूँ, जा बताना। गाइस मेरी उर्दू थोड़ी सी कमज़ोर है इसलिए टाइपिंग में मसला हो रहा है, तो मैं टाइप कर लेता हूँ इसको। टाइप कर रहा हूँ, तो आपने भी सेम इसी तरह टाइप करना, ठीक है, अगर आप चाहते हैं। अब इसको हम इधर बड़ा कर लेंगे, जिधर आप इसको रखना एडजस्ट करना चाहते हैं तो एडजस्ट कर लें, ठीक है। मैं इसको फोन दूंगा, तो आपने फोन मैंने आपको कर लेता है कि आप डाउनलोड कर लेना साइन मास्टर के स्टोर में जाकर। अगर आप कहते हो कि अगर मैं इसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आप इसके ऊपर वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो मैं लैटिन में आ जाऊँगा, लैटिन में नहीं तो मैं अरबिक में आ जाऊँगा। अरबिक में आने का मुझे फोन अच्छा लगता है ये वाला, तो मैं इसको ले लूँगा, ये देखूँ कितनी प्यारी लगता है, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर कोई इमोजी वगैरह लगाना चाहते हैं ना टेक्स्ट के ऊपर जाकर बताना मुझसे आए थे, तो इसके ऊपर आगे आप इमोजी भी लगा सकते, तो मैंने नहीं लगाने तो इसलिए मैंने नहीं लगाई। तो अब मेन चीज़ जो इसकी है वो है कलर ग्रेडिंग। जो फ्रेंड्स अजान होने लगी थी तो मैंने इसलिए वीडियो को स्टॉप कर दिया। तो मैं कह रहा था कि हम इसकी कलर ग्रेडिंग कैसे करेंगे, तो कलर ग्रेडिंग करने के लिए आपको एक वीडियो की ज़रूरत है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उधर उस लिंक से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैंने पहले ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, तो वही प्रोसीजर लेयर पे आने के बाद मीडिया में आने के बाद डाउनलोड के ऑप्शन में जिधर आपने इसको डाउनलोड किया है, तो मेरी इधर नहीं पड़ी, तो मैं बैक आ जाऊँगा आने के बाद, ये इधर एक्सपोर्ट में पड़ी है, तो ठीक है इसको मैं ले लूँगा। इसको मैं लेने के बाद ये कैंची के साथ स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है, ठीक है, इसको हमने ये फुल कर देना, ठीक है। फुल करने के बाद बैक आ जाना, बैक करने के बाद हमने इसको ब्लेंडिंग स्क्रीन में आना, ठीक है, ब्लेंडिंग में आना। ब्लेंडिंग में आने के बाद हमने इसको मल्टीप्लाई पर करना, ठीक है। आपने ना इसको ओवरले ना स्क्रीन या सॉफ्ट किसी पर नहीं क्लिक करना, तो बाद में कहेंगे भाई ये कलर ग्रेड नहीं हो रही, तो इसीलिए आपने इसको मल्टीप्ले पे क्लिक करना। मल्टीप्ले पे क्लिक करने के बाद ये कलर ग्रेड होगा, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, तो मैं इसको आप चला के चेक करवाता हूँ आपको, तो ये चेक कर, ये देखिए कितना स्मूथली कलर ग्रेड होगा, ठीक है। अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको स्टॉप करके इस कलर ग्रेड की वीडियो पर, तो उसको इस तरह दोनों फिंगर से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कलर ग्रेड हो गया, तो इसके बाद हम इसको कुछ इफेक्ट्स देंगे ओवरले, फेस्ट करते हैं ओवरले, तो वो आपको काइन मास्टर के स्टोर से डाउनलोड करने पड़ेंगे, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं। अगर आप कहते हैं कि भाई कि वो हमें डाउनलोड करना सिखाएं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो लेयर में आने के बाद ओवरले में आना है, तो ये तीन फैक्ट्स हैं माई स्टिक्स फॉर लाइम लाइट एचयूडी मोशन। तो सबसे पहले हमें एचयूडी मोशन की ज़रूरत है, तो मोशन में आने के बाद हमने इधर कॉर्नर एंड पे ये लाल पट्टी वाला ये हमें चाहिए, ठीक है। तो उसको हमने इसके इस तरह खींच के ये बराबर कर लेना इसको इस तरह, ठीक है, ये देखिए पीछे से भी हमने इसको बराबर कर लेना, ठीक है ना, इस तरह ये देखिए इस तरह बराबर कर लिया। करने के बाद इसको हम एडजस्टमेंट करेंगे, अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे साथ ही, ठीक है, ठीक है, थोड़ी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, एडजस्टमेंट होगी। तो उसके बाद जो मैं कुछ लगा था क्रैश करता हूँ वीडियो, तो इसके बाद हमें लेयर में आना है, इसके बाद हमें ओवरले में आने के बाद हमें लाइन लाइट की ज़रूरत है, तो इसमें ये कॉर्नर वाला लाइट वाला हमें ये चाहिए, ठीक है ना, लाइन लाइट। तो इसको हम इस तरह इधर रखेंगे, इसको हम खड़ा कर लेंगे। तो अगर आप कहते हैं कि हम दोनों साइड पर लगाएं लाइन लाइट, तो आपने इधर क्लिक करना, इधर क्लिक करने पर डुप्लीकेट पर क्लिक करना, डुप्लीकेट पर क्लिक करने के बाद ये इस तरह डुप्लीकेट हो जाएगी, तो आप इसको इधर भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो सिंगल ही रहने दो। मैं इसको तो लगा देता हूँ, लगाने के बाद इसको भी खींच के बड़ा कर देता हूँ, इसको नीचे वाले को खींच के बड़ा कर देता हूँ, ये देखें ये अब बराबर हो गई, बराबर हो गई। इसको भी हम इस तरह बराबर कर देंगे, ये इसको बराबर, ये भी बराबर। तो गाइस आपने एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप कोई भी एक पीएनजी
बराबर हो, अगर एक भी आगे आगे पीछे होगी तो आपकी वीडियो स्मूथली नहीं बनेगी, ठीक है ना। ये आपने बस ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद हमने इसको डन कर दिया, तो लेयर में आने के बाद आखिरी ओवरले हमारा वो है माइस्टिक 4, तो हमने इसको क्लिक करना है ये एंड वाला कॉर्नर एंड पे, इसको हमने क्लिक करना है। ये देखें इसकी एडजस्टमेंट करनी है, तो हम इसको इस तरह, ये देखें हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये देखें इस तरह। इस तरह करने के बाद हम इसको ब्लेंडिंग स्क्रीन करेंगे, ठीक है ना। ये देखें मैं इसको काट देता हूँ, बाकी बकिया इसे को चक्कर वाकर बता देता हूँ। ये देखें क्लिक किया टाइम टू लॉट प्ले हट, ठीक है ना। इसको भी इस तरह, ये देखो ना भैया आगे पी आँधी थी जी वाली, तो इसको हम कट कर देते हैं बकिया इसे को। ये भी आगे तीन पी आँधी मेरी आगे थी, इसको भी कट कर देंगे, नीचे वाली को भी कट कर देंगे। अगर आप इस पर कोई सॉन्ग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, तो मैंने ऑलरेडी सॉन्ग भी डाउनलोड किए हुए हैं, ठीक है, तो आप लगा सकते हैं। तो मैं अभी आपको लगा कर दिखाता हूँ, मैं एडजस्टमेंट कर लूँ, ठीक है। सॉन्ग लेयर में आने के बाद मीडिया में आपने जो कि सॉन्ग डाउनलोड किया, तो मैंने एक्सपोर्ट में साउंड किया हुआ, तो ये देखिए मैंने अपनी वीडियो में अच्छी, मैं उसके साउंड एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपकी वीडियो में से अकेला जो ना साउंड है ऑडियो वो बाहर आ जाता है, बाकी वीडियो खाली हो जाती है, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कर दिया, तो ये देखें अभी चला कर दिखाते हैं। शरीक जिन्हें मर्जी हो, अब इसको मैं अपने फिंगर से एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब इसको भी कर लेता हूँ, ये देखें ये देखिए, इसी वजह से ना पहले शो नहीं हो रहा था, ये देखें अब पहले शो होगा, ठीक है ना। शरीक जिन्ने मर्जी हो ले काका, पर ऊंचिया ने गला तेरे यार दिया ले काका, पर ऊंचिया ने गला तेरे यार दिया। साउंड खत्म हो गया, तो ये देखें ये दो बजे स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम एक बार डिलीट कर देंगे, तो ये देखो बाकी आपने इसको इसके साउंड के बराबर कर लेना, ठीक है, या कट कर दें या बराबर कर दें, मैं आपको दिखा देता हूँ कट करके। ये देखिए इस तरह लेयर पे, ये देखें ट्रिम, इसको भी इसी तरह सब कट करने के लिए आपको कैंची वाले ऑप्शन पर जाना है, तो स्मूथली कट हो जाता है, ठीक है। कट करने के बाद फ्रेंड हम इसको डन कर देंगे, डन करने के बाद हम इसको एक बार फिर से चला के चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये देखिए कितनी स्मूथली वीडियो तैयार हो गई है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो मेरे चैनल हैदर टेक.pk को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो गाइस इसको हम अगर एक्सपोर्ट करना है, तो हम इधर कॉर्नर में एक एड्रेस वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, तो हम इधर इसको हाई एक्सपोर्ट, ठीक है, इस तरह आपकी गैली में एक्सपोर्ट हो गई। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, hydratech.pk मेरा चैनल है, तो उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचे रहें। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।